रही होगी कोई वजह, नहीं यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष मिश्रा आप सभी का विन आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपको जैसा कि मालूम है, हमारी चर्चा मध्य प्रदेश की जनजातियों के संबंध में जो एमसीक्यूज बन सकते हैं, उनकी संस्कृतियों के संबंध में जो एमसीक्यूज बन सकते हैं, उस पर हो रही थी। और हमने काफ़ी सारे प्रश्नों को इसके अंतर्गत शामिल भी कर लिया था और काफ़ी सारी चीज़ें हमने देख भी ली थी। अब हमारी चर्चा उसी को आगे बढ़ाएंगे और अगले प्रश्नों पे हम अपनी चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं, जहाँ से हमने कल छोड़ा था उसी के आगे अपनी बात को स्टार्ट करते हैं। और हमारी बात है कि दसमानी या दसगात्र प्रथा किस जनजाति में की जाती है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए गोंड, ऑप्शन बी बैगा, ऑप्शन सी भील, ऑप्शन डी कोरकू। तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन ए गोंड। अब बात की जाए कि ये दसमानी प्रथा होती क्या है या दसगात्र प्रथा होती क्या है, तो हो सकता है आप लोगों ने इसके पहले इसके बारे में सुना भी हो, जानते भी हो। तो मैं भी थोड़ा सा बता देता हूँ कि गोंड जनजाति में जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के दसवें दिन एक प्रथा चलाई जाती है, एक कार्यक्रम चलाया जाता है जिसके माध्यम से पूरे घर के शुद्धिकरण का कार्य किया जाता है। उसी प्रथा को क्या बोला जाता है, दसमानी या दसगात्र प्रथा। इस दिन एक और चीज़ की जाती है, मोर दान दिया जाता है। अब जैसे हिंदू परंपरा में भी देखते होंगे कि आप कुछ व्यक्ति आते हैं बाहर से, उनको फिर कुछ दान दिया जाता है, मृत्यु के उपरांत लोग देते हैं। तो ऐसे ही गोंडों में भी एक दान की प्रथा चलती है, उस दान प्रथा को बोलते हैं मोर दान, जिसमें अन्न बैल और घरेलू सामान की जितनी भी उपयोगी चीज़ होती है वो एक व्यक्ति को प्रदान की जाती है, जो इनके जनजातियों के संबंध में एक सम्मान पात्र व्यक्ति होता है उनको प्रदान की जाती है। अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, गोंड जनजाति में फसल या पित्य पूजा का कौन सा त्यौहार है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए जवारा, ऑप्शन बी नवाखानी, ऑप्शन सी हर ढीली, ऑप्शन डी छेरता। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी नवाखानी। आपको इसके बारे में मालूम हो या ना हो, मैं बताता हूँ कि जो नवाखानी उत्सव होता है, जो नवाखानी त्यौहार होता है, हमेशा उसी टाइम पे मनाया जाता है जब फसल नवीन फसल आती है, तो नवीन फसल के उपलक्ष्य में ये त्यौहार मनाया जाता है। और अगर किसी भी जनजातियों के संबंध में पूछा जाए और नवाखानी का नाम आता है तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, वो किससे संबंध रखेगा, हमेशा कृषि क्षेत्र की पूजा पद्धति से संबंध रखेगा। गोंड इसको एक विशेष रूप से मनाते हैं, गोंड इसका उद्देश्य रहता है कि जो हमारी पितृ पूजा है, हमारे पितरों की पूजा है, जब हम इस त्यौहार को मनाते हैं तो वो संपन्न हो जाती है। इसी प्रकार एक हर ढीले भी होता है, हर ढीले होता है जब बुवाई काम हो जाता है, गोंड जब अपनी बुवाई कर चुके होते हैं खेतों में, जब बुवाई कर चुके होते हैं तो अपने जो बैल होते हैं, पुराने ज़माने में क्या होता था कि बैलों के माध्यम से हल चलाए जाते हैं, तो बैलों को हल से अलग कर देते हैं। अगर इसको अलग कर दिया जाए शब्द को, तो ये हर मतलब हर प्लस ढीली है, तो हल से बैलों को ढील दिया जाता है, उसी त्यौहार को क्या बोला जाता है, हर ढीली प्रथा, हर ढीली त्यौहार बोला जाता है। बुवाई के उपरांत ये त्यौहार मनाया जाता है, फसल बुवाई के उपरांत। छेरता भी गोंडों का एक प्रसिद्ध त्यौहार है, जिसके माध्यम से बच्चे जो होते हैं, गोंडों के जो बच्चे होते हैं, मुख्य रूप से इस त्यौहार को आगे बढ़ाते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की किस जनजाति के गोत्र को कुर कहा जाता है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए भील, ऑप्शन बी भारिया, ऑप्शन सी कोरकू या ऑप्शन डी गोंड। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी गोंड। देखिए, गोंडों में भी गोत्र व्यवस्था देखने को मिलती है। गोत्र व्यवस्था में एक चीज़ और देखने को मिलती है, वो होता है टोटम बाद। बार बार इस चीज़ की बात आती है। अब क्यों आती है, क्योंकि मेंस का जब आप पेपर देखोगे तो उसमें सीधा से लिखा हुआ है सिलेबस में टोटम बाद के लिए। तो गोत्रों की एक विशेष जो जनजाति होती है उनकी एक विशेष पहचान होती है, जो किस पे आधारित होती है, टोटम पे आधारित होती है। अब ये टोटम कैसे बने होते हैं, टोटम या तो किसी जंतु को लेके बना सकते हैं या कोई भी प्राकृतिक चीज़ें जो मौजूद हैं उनको आधार बना के टोटम बनाए जाते हैं।
टोटम को अगर सामान्य रूप में देखा जाए तो क्या होता है, एक निषेध वाचक चिन्ह होता है, निषेध होता है। अगर किसी टोटम में कोई चिन्ह बना हुआ है वो किस चीज़ को दर्शाता है, निषेधात्मक प्रतीक को दर्शाता है। तो गोंडों का जो गोत्र होता है उसको कुर कहा जाता है। इसी प्रकार एक और जनजाति होती है, एक जनजाति होती है कौन सी, पनिका जनजाति। पनिका जनजाति को गोत्रों को भी क्या कहा जाता है, कुर कहा जाता है, और उनके कुरों के समूह को कुरहा कहा जाता है। पनिका के बारे में आपको पता ही है कि इनको कबीरहा भी कहा जाता है, कबीरहा, अर्थात ये स्वयं को कबीरपंथी बुलाते हैं। अब आते हैं अगले प्रश्न पे अपने। हमारा अगला प्रश्न है, गोंड जनजाति किसे देव अन्य कहते हैं। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए पेज, ऑप्शन बी कोदो, ऑप्शन सी कुटकी, ऑप्शन डी महुआ। तो देखिए, गोंडों का प्रिय भोजन जो होता है, प्रिय जो भोज्य पदार्थ होता है वो क्या होता है, पेज। पेज किससे बना हुआ है, तो मक्का कोदो कुटकी मोटे अनाज के द्रव से बना होता है। कोदो कुटकी मक्का के मिश्रण से बना होता है क्या, पेज। तो पेज इनका हुआ क्या, मुख्य भोज्य पदार्थ, मुख्य भोज्य पदार्थ। लेकिन प्रश्न तो ये पूछा नहीं है, प्रश्न पूछा है देव अन्य किसे कहते हैं। तो देव अन्य किसको कहा जाता है, महुआ को। अब महुआ का मुख्य रूप से उपयोग ये लोग किसके लिए करते हैं, शराब बनाने के लिए। इसको जनजाति लोग अलग अलग नामों से जानते हैं, जैसे कोरकू इसको सीडू बोलते हैं, और जो गोंड और अन्य जनजाति होते हैं इसको मेलुहा बोलते हैं, मेहुल बोलते हैं, मेहुल। तो अलग अलग नाम मिलते हैं महुआ की शराब को, और मध्य प्रदेश सरकार इसको बढ़ावा देने के लिए, महुआ के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, उनके विशेष पहचान देने के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोग्राम में, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के प्रोग्राम में दो स्थानों पे, मध्य प्रदेश में दो स्थानों पे, एक है कौन सा, उमरिया, और दूसरा है अलीराजपुर। अलीराजपुर को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के रूप में महुआ को शामिल किया गया है। तो ऐसे छोटी छोटी बातें हैं जो हम अपनी बातों पे रखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी व्यवसाय के आधार पर गोंड की उपजातियां हैं। हमारे ऑप्शन है मुरिया, ओझा, प्रधान, दुर्गोंड या कोयला भोतीस, और इसके आधार पे कूट दिए गए हैं, उस आधार पे हमको सही उत्तर का चयन करना है कि एक दो और तीन सही है, दो तीन और पाँच सही है, एक तीन चार और पाँच सही है, एक दो तीन चार पाँच सही है, अर्थात सभी सत्य हैं। तो आप इसको जल्दी से बताइए। तो आपको ध्यान आ रहा होगा कि मैंने इसके बारे में आपको पहले ही बताया था कि गोंड जो है दो आधारों पे बटी होती है, एक निवास के आधार पे और एक व्यवसाय के आधार पे, व्यवसाय के आधार पे। अब निवास के आधार पे तीन रूपों में होती है, एक धुर गोंड, एक राज गोंड और एक मुरिया या मुड़िया। और व्यवसाय के आधार पे जैसे अगरिया, सोलहास, ओझा, प्रधान और कोयला भूतिस, इस आधार पे बटी हुई थी। तो अब आप यहाँ पर ऑप्शन देखिए कि कौन कौन से ऑप्शन इसमें सटीक बैठते हैं। तो मुरिया, मुरिया किस में आ गई, निवास के स्थान पे। पूछा क्या है कि व्यवसाय के आधार पर बताइए, तो ये नहीं होगा। ओझा, ओझा पाया जाता है, हाँ ओझा पाया जाता है, तो ये सही हो जाएगा यहाँ पर। फिर प्रधान, प्रधान भी इसमें है व्यवसाय के आधार पर, तो प्रधान भी सही हो जाएगा। धुरगोंड, धुरगोंड किस में आ रहा है, निवास के आधार पर, तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। फिर अगला है कोयला भूतिस, तो कोयला भूत भी किस में शामिल है, इनके व्यवसाय के आधार पे विभाजन पे शामिल है। कोयला भूत ऐसी जनजाति है, गोंडो की ऐसी शाखा है जो मुख्य रूप से नाच गान करके अपना अपने आय को सृजित करती है, नाच गान इनका मुख्य व्यवसाय होता है कोयला भूत इसका। अब इसके आधार पे अब हम ऑप्शन देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ओझा दो तीन और पाँच, दो तीन पाँच सही है,
तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 2, 3 और 5। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, गोंड जनजाति के युवा गृह को क्या कहा जाता है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए घोटुल, ऑप्शन बी धांगर बांसा, ऑप्शन सी धूम कोरिया या ऑप्शन डी गतियोरा। तो काफी लोग इसके बारे में जानते भी होंगे और घोटुल इसका सही जवाब होगा। घोटुल गोंड या मुड़िया का क्या है? युवा गृह है। धांगर बांसा किसका होता है? तो भूया या भूमिया का होता है। फिर धूम कोरिया किसका होता है? तो धूम कोरिया उराव जनजाति का होता है और गतियोरा मुंडाओं का होता है। मुंडाओं मतलब वही बिरसा मुंडा। अब आपको बताना है कि बिरसा मुंडा, जो बिरसा मुंडा थे उनका जन्म एक विशेष तारीख को आता है, वो तारीख है 15 नवंबर। 15 नवंबर। अब आपको बताना है कमेंट में कि 15 नवंबर किस लिए प्रसिद्ध है, इस दिन कौन सी दिवस के रूप में हम मनाते हैं 15 नवंबर को। 15 नवंबर बहुत फेमस तारीख है। साथ ही आपको बताना है कि जो मुंडा विद्रोह हुआ था, मुंडा विद्रोह वो कब और कहाँ हुआ था, कब और कहाँ हुआ था, इसको उलगुलान विद्रोह भी बोलते हैं। तो आपको इसको कमेंट में बताना है, दोनों चीज़ों को कमेंट में बताइएगा आप। तो घोटुल की बात करते हैं, तो घोटुल एक प्रकार से क्या है? युवा गृह है। किसका? गोंडों का। और इसकी जानकारी हमको कहाँ मिलती है? घोटुल के बारे में हमको विस्तृत जानकारी मिलती है वेरियल एनमिन की एक किताब है, मुरिया एंड देयर घोटुल, मुरिया एंड देयर घोटुल। ये वेरियल एलमिन की किताब है जिसके माध्यम से हमको पूरी जानकारी इसके बारे में मिल जाती है, गोंड के युवा गृह की। अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, गोंड जनजाति द्वारा किए जाने वाले कर्मा नृत्य में कौन सा प्रमुख वाद्य यंत्र बजाया जाता है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए मांतर, ऑप्शन बी टिमकी, ऑप्शन सी खड़ताल, ऑप्शन डी झांझ। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए मांदर। अब मांदर की अगर बात किया जाए तो मांदर ढोल जैसी ही संरचना होती है लगभग, लेकिन इस शेप में होती है। अब इसमें ऐसे रस्सी बंधी रहती है और इसी पे बजा करके कर्मा नृत्य किया जाता है। कर्मा नृत्य एक्चुअल में जो कर्म देवता होते हैं उन पे आधारित होती है। कर्म देवता की पूजा करके ये नृत्य किया जाता है और एक गांव से दूसरे गांव जाया जाता है। और जब पूरा ग्रुप एक गांव से दूसरे गांव जाता है तो एक दूसरे क्या हो जाते हैं? प्रतिस्पर्धी हो जाते हैं। तो आपस में क्या करने लगते हैं? प्रतिस्पर्धात्मक रूप से कर्मा नृत्य किया जाता है। और आपको बता दूं कि कर्मा नृत्य जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल होने वाला देश का पहला नृत्य माना जाता है। सबसे बड़े समूह में ये नृत्य किया गया था। अब जो खड़ताल होता है, तो खड़ताल में जो नारद जी होते हैं नारायण नारायण करते हैं, वही होता है खड़ताल। तो ज़्यादा इसमें विचार करने की आवश्यकता नहीं है। झांझ की बात करें तो झांझ भी आपको पता होगा, इसको झांझ को मंजीरा भी बोलते हैं, जो हाथ से बजाया जाता है, छोटे आकार का होता है। ये बात हो गई किस पे? वाद्य यंत्र पे, कर्मा नृत्य पे लेके। हरवाही खेती किस जनजाति द्वारा की जाती है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए बैगा, ऑप्शन बी कोल, ऑप्शन सी गोंड या ऑप्शन डी कोरकू। तो हरवाही नृत्य, हर वाही नृत्य, अगर कोई बघेलखंड का होगा, अगर रीवा सतना सीधी शहडोल से संबंध रखता होगा तो हरवाही शब्द का अर्थ वो अच्छे समझ सकता है, हरवाही। तो उसके लिए ज़्यादा कठिन प्रश्न नहीं होगा, लेकिन हो सकता है कि वो ऑप्शन देख के गलत आंसर लगा दे, क्योंकि हरवाही जो खेती होती है मुख्य रूप से गोंड के द्वारा की जाती है। अगर इसके अर्थ की बात करें तो हरवाही का अर्थ होता है श्रमिक। है ना? तो श्रमिक होते हैं। अब श्रमिक क्यों बनेंगे? अर्थात मतलब जो गोंड जनजाति है उनके पास स्वयं का खेत नहीं है, तो दूसरे के खेतों में जाके क्या करेंगे? सेवा देंगे। तो इसका अर्थ यही है, हरवाही खेती का अर्थ यही है कि दूसरों के खेतों पर
सेवा देना। उस खेती को क्या कहा जाता है? आपका हरवाही खेती। अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, गोंड जनजाति द्वारा दीपावली की प्रतिपदा के कार्तिक पूर्णिमा पर लगभग 15 दिन तक कौन सा पर्व मनाया जाता है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए मड़ई, ऑप्शन बी जबारा, ऑप्शन सी नवाखानी, ऑप्शन डी बिदरी। तो इसका सही जवाब होगा मड़ई। देखिए, गोंड जनजाति का सबसे प्रमुख अगर त्यौहार की बात किया जाए तो मड़ई माना जाता है। मड़ई मुख्य रूप से जो मंडला क्षेत्र है, मंडला में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। मंडला में मड़ई को बहुत धूमधाम से मनाते हैं। और मड़ई की क्या खासियत होती है, जो मड़ई उत्सव होता है इस पे मुख्य रूप से जब फसल उगाई जाती है, हर्ष उल्लास के साथ, जो ग्राम देवता हैं उनकी पूजा के साथ, ग्राम देवता की पूजा के साथ इसको संपन्न कराया जाता है। जवारे की अगर बात की जाए तो जवारा जो उत्सव होता है ये नवरात्रि के टाइम पे मनाया जाता है। नवाखनी के बारे में आपसे अभी चर्चा हो ही गई है कि जब नवीन फसल आती है उसके टाइम पे मनाया जाता है, पितृ पूजा को लेके मनाया जाता है। और बिदरी की अगर बात करें तो बिदरी मुख्य रूप से, बिदरी का अर्थ होता है बादल। बिदरी का मुख्य अर्थ क्या होता है? बादल होता है। और इसमें मुख्य रूप से किस देवता की पूजा होती है? ठाकुर देव की, ठाकुर देव की मुख्य रूप से पूजा होती है। गोंडों का एक और प्रसिद्ध त्यौहार होता है, उस त्यौहार का नाम शायद आपने सुना भी होगा, लारू काज। लारू काज, और लारू काज में ये लोग किसकी पूजा करते हैं? नारायण देव की। और नारायण देव को प्रसन्न करने के लिए ये लोग सुअर की बलि देते हैं। और ये जो लारू काज होता है ये सुअर के विवाह का प्रतीक है, सुअर के विवाह का प्रतीक है। और इसी दिन ये लोग नारायण देव को सुअर की बलि भी चढ़ाते हैं। तो ये कुछ बात हो गई किसके संबंध में, गोंड जनजातियों के त्यौहार के संबंध में। एक और त्यौहार होता है जिसके बारे में आपसे मैंने चर्चा कर ही ली है, छेरता। और छेरता मुख्य रूप से बच्चों के द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है। अब छेरता में होता क्या है कि बच्चे हाथ में एक डंडा लेंगे और घर घर जाएंगे और घर घर में जाके क्या करेंगे, छेरता इकट्ठा करेंगे, मतलब अन्न इकट्ठा करेंगे। तो उसी को क्या कहा जाता है? छेरता कहा जाता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, गोंड जनजाति में दूध लौटावा प्रथा संबंधित है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए जन्म से, ऑप्शन बी मृत्यु से, ऑप्शन सी विवाह से, ऑप्शन डी तांत्रिक क्रिया से। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी विवाह से। अब गोंड जनजाति का जो दूध लौटावा विवाह है ये मुख्य रूप से बुआ फूफा, बुआ मामा की जो संतानें होती हैं, बुआ और मामा की जो संतानें होती है उनके आपस में विवाह करने से संबंधित होती है। मतलब ये ऐसा विवाह है जिसमें एक कजन के साथ विवाह करवा दिया जाता है, मामा की लड़का हो या लड़की हो और बुआ का लड़का लड़की हो तो उनका आपस में विवाह करवा दिया जाता है। इसी प्रथा को क्या कहा जाता है? दूध लौटावा। तो दूध लौटावा किससे संबंधित है? विवाह से। अब अगर गोंड जनजाति की बात करें, गोंड की अगर अर्थ की बात करें, गोंड की अर्थों की, तो गोंडों में तमिल भाषा में, तमिल में कोंड शब्द या द्रविड़ भाषा के, कोंड से हुई है जिसका अर्थ है हरे भरे पर्वत, हरे भरे पर्वत। अर्थात वह जनजात जो हरे भरे पर्वतों में निवास करती है क्या कहलाती है? गोंड कहलाती है। आगे आते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, गोंड जनजाति का पुजारी किसे कहा जाता है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए देवान, ऑप्शन बी ओझा, ऑप्शन सी देवरी या ऑप्शन डी धनवार। तो मैंने आपको बताया था कि व्यवसाय के आधार पे जो गोंड है उनको कई भागों में बांटा गया है, एक ओझा होती है, दूसरी प्रधान होती है। तो जो ओझा जनजाति होती है, जो ओझा समूह होता है, ये रुख मुख्य रूप से पूजा पाठ का काम करते हैं, पूजा पाठ मंदिर में, पूजा पाठ का काम
करते हैं, अर्थात पुजारी का काम कौन करता है? ओझा करता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ओझा हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में निवास करने वाली गोंड जनजाति का मुख्य आहार क्या है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए कोदो का भात, ऑप्शन बी बड़का माठा, ऑप्शन सी कुटकी या ऑप्शन डी पांजर कांदा। तो इसका सही जवाब होगा कोदो का भात। कोदो आपको पता है एक प्रकार क्या है? मोटा अनाज। कोदो किस में शामिल है? मोटा अनाज में। मोटा अनाज को अभी हाल ही में क्या नाम दे दिया गया है? पिछले बजट में, अंतरिम बजट से पहले जो बजट आया था 2023-24 का, उसके तहत मोटे अनाज को श्री अन्न कहा गया। और श्री अन्न, अब आपको बताना है कि जो मोटा अनाज के लिए अनुसंधान केंद्र स्थापित है, बाजरा अनुसंधान केंद्र, मुख्य रूप से यहीं पर किया जाता है, बाजरा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थापित है? आपके हैदराबाद में, हैदराबाद। मोटा अनाज के लिए और अगर बात की जाए तो भारत सबसे बड़ा दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा निर्यातक है किसका? मोटे अनाज का। ये बात चर्चा हो गई किस पे? हमारी मोटे अनाज पे। और अभी देखिए सरकार द्वारा अलग अलग प्रकार की प्रोत्साहन योजना चलाई जा रही हैं जो मोटे अनाज को प्रोत्साहित कर रही हैं। अभी G20 जो हमारे यहाँ क्या हुआ था, सम्मेलन होता वैश्विक सम्मेलन, वैश्विक बैठक हुई थी, उसमें सारे जो प्रमुख थे, राष्ट्र प्रमुख आए हुए थे, उनके लिए मोटे अनाज से संबंधित उत्पाद बनाए गए थे, भोज्य पदार्थ बनाए गए थे, उनको परोसा गया था। तो मोटा अनाज अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है, इसीलिए 2023 के वर्ष को मोटे अनाज का वर्ष घोषित किया गया था। 2023 में UN द्वारा मोटे अनाज का वर्ष घोषित किया गया, और ये प्रश्न PSC पूछ भी चुका है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न पे आते हैं। घोटुल प्रथा मध्य प्रदेश के किस जनजाति में पाई जाती है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए भील, ऑप्शन बी कमार, ऑप्शन सी गोंड या ऑप्शन डी बैगा। तो घोटुल प्रथा मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? गोंडम पाई जाती है। घोटुल प्रथा, घोटुल क्या है? एक प्रकार की विवाह संगठन की प्रथा है जिसमें युवक व युवतियां युवक और युवतियां विवाह पूर्व भी क्या करते हैं? संबंध स्थापित करते हैं और आगे चल के उनका विवाह करवा दिया जाता है। तो घोटुल एक प्रकार का युवा गृह होता है जिसमें जो विशिष्ट संस्कृति होती है, विशिष्ट जो परंपराएं होती है, उनकी जानकारी युवाओं तक, युवतियों तक पहुंचाई जाती है। इसमें एक बड़ा बुजुर्ग व्यक्ति होता है जो पूरी संस्कृति को, जैसे टीचर देते हैं ज्ञान देते हैं, उसी प्रकार से वो व्यक्ति भी ज्ञान के माध्यम से सारी चीज़ें प्रसारित करवाता है। अगला है, जनजातीय जीवन में घोटुल प्रतिनिधित्व करता है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए क्षेत्रीय देवता का, ऑप्शन बी विवाह के स्वरूप का, ऑप्शन सी युवा संगठन का या ऑप्शन डी परंपरावादी नेता का। तो जल्दी से जवाब दीजिए। ये प्रश्न आ चुका है जो स्टेट फॉरेस्ट मेंस एग्ज़ाम 2019 हुआ था, इसमें यह प्रश्न पूछा जा चुका था कि जनजातीय जीवन में घोटुल प्रतिनिधित्व करता है। तो आप इसको जल्दी से बता दीजिए। अभी मैंने इसके पहले बता भी दिया है कि इसका क्या आंसर होना चाहिए। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी विवाह के स्वरूप का, विवाह के स्वरूप का। घोटुल किससे संबंधित है? विवाह के स्वरूप से। हालांकि इसमें शामिल होते हैं कौन? युवक युवतियां, लेकिन कोई युवा संगठन नहीं है। ये एक प्रकार क्या है? युवा गृह संगठन नहीं है, क्योंकि किसी प्रकार की कोई, जैसे राजनीतिक इकाई बनती है, कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप बनता है, उस प्रकार से कोई ये बना नहीं है, इसलिए संगठन नहीं है, बल्कि क्या है? विवाह के स्वरूप का एक प्रकार है। अगले प्रश्न में आते हैं, दीवार पर मिट्टी से बनाई जाने वाली नोहडोरा अलंकरण किस जनजाति की विशेषता है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए भील, ऑप्शन बी कोरकू, ऑप्शन सी सहरिया, ऑप्शन डी गोंड। नोहडोरा मुख्य रूप से पहले दीवारों पर बनाई जाती थी, लेकिन बाद में इसको जो कागज होता है उस पर भी उकेरे जाना लगा, और इसमें आप बहुत सारे जो
गोंड चित्रकार हैं उनके बारे में आपने सुना होगा, जैसे जनगढ़ सिंह श्याम। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? डिंडोरी में एक जगह है पाटन गांव को चित्रकारों का गांव कहते हैं, और वहाँ पर एक संस्था स्थापित हुई है, जनगढ़ श्याम आर्ट संस्था, जो मुख्य रूप से जो जनगढ़ सिंह श्याम की जो कलाकारियाँ हैं, जो गोंड कला है, उसको क्या किया जा रहा है, प्रोत्साहन दिया जा रहा है। तो इस नोहडौरा अलंकरण किस जनजाति से संबंधित है? तो आप इसका सही जवाब होगा क्या? गोंडों से। देखिए, ये जो अलंकरण है नोहडौरा, ये गोंड प्लस बैगा में भी देखने को मिलता है। तो अगर मान लीजिए कि ऐसा प्रश्न आ जाता है कि गोंड और बैगा दोनों ऑप्शन में रहे हैं, तो फिर गोंड को प्राथमिकता तो देनी है, क्योंकि पीएससी ने इस बार इसी को उत्तर माना है। लेकिन मान लीजिए गोंड नहीं रहता है और बैगा ऑप्शन में रहता है, तो आप बैगा के साथ जाइएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। आनंद सिंह श्याम एवं धनैया बाई कलाकारों का संबंध निम्नलिखित में से किस कला से है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए ढोकरा कला, ऑप्शन सी पिथौरा कला, ऑप्शन बी गोंड चित्रकला, या ऑप्शन डी बाघ प्रिंटिंग। तो इसका सही जवाब होगा क्या? गोंड चित्रकला। अब गोंड चित्रकला में अभी बहुत सारे नाम फेमस हुए हैं, जैसे ये तो दो नाम हो ही गए, आनंद सिंह श्याम और धनैया बाई, फिर जनगढ़ सिंह श्याम भी का नाम हो गया, हमने पढ़ लिया। इसके अतिरिक्त आपका आत्माराम श्याम, रजनी सिंह धुर्बे, आत्माराम श्याम हो गया, रजनी सिंह धुर्बे हो गए, जनगढ़ सिंह श्याम हो गया, आनंद सिंह श्याम हो गया, धनैया बाई हो गया, ये कुछ फेमस नाम हैं जो अभी हाल। अब आत्माराम श्याम और रजनी सिंह धुर्बे ये अभी ही हाल में बहुत चर्चा में रहे हैं। जो लिखिंद्रा आर्ट होता है, इनका एक फेस्टिवल, एक कला के प्रतियोगिता होती है, उसको लिखिंद्रा बोलते हैं, उसमें इनका नाम उकेरित किया गया था, उनका नाम आया था, फ्रंट पे आया था, तो इसलिए ये लोग बहुत फेमस है। तो इनका नाम याद रखिएगा, आत्माराम श्याम और रजनी सिंह धुर्बे। अब जनगढ़ सिंह श्याम के बारे में अगर थोड़ा सा बात किया जाए, तो ऐसा हुआ था कि जनगढ़ सिंह अपने यहाँ दीवारों में और भैंस के पेट पे, कहाँ पर? भैंस के पेट पे चित्रकारी किया करते थे। और ऐसा हुआ कि विभिन्न कलाकार जब वहाँ से गुजरे, उन्होंने भैंस को देखा कि ये ऐसी चित्रकारी कैसे कर लिया गया, तो वो क्या ले गए, किनको ले गए? जनगढ़ के सिंह श्याम के पास गए, उनको पता चला, तो फिर वो वहाँ से कहाँ आए? भोपाल आए। और भोपाल में जो विधानसभा है और जो विभिन्न प्रकार की जो इमारतें हैं, उनमें किसकी आज कृतियाँ अलंकृत की गई हैं? जनगढ़ सिंह श्याम की। जैसे एक जीवन वृक्ष के बारे में आपने नाम सुना होगा, वो किसके द्वारा बनाया गया था? जनगढ़ सिंह श्याम के द्वारा ही बनाया गया था, इंदिरा गांधी जो विधानसभा भवन है उसमें। अगले प्रश्न में आते हैं। भीलों में जवई पर्व के अवसर पर भित्त पिथौरा चित्र बनाए जाते हैं, पिथौरा कलाकारों को क्या कहा जाता है? तो हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए लखिंद्रा, ऑप्शन बी पुजारा, ऑप्शन सी पटेल, या ऑप्शन डी कोटवार। तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन ए लखिंद्रा। तो जो पिथौरा चित्रकार होते हैं उनको क्या कहा जाता है? लखिंद्रा कहा जाता है। और इन चित्रकारों में बहुत सारे नाम आपने सुने होंगे, जैसे पेमा फालिया का नाम सुना होगा आपने, अभी 2021 में इनकी मृत्यु हुई है। इसके अतिरिक्त भूरी बाई का नाम सुना होगा, इसके अतिरिक्त शांता बारिया का नाम सुना होगा, शांता भूरिया का एक नाम आता है, और एक आता है सविता बारिया का नाम आता है। ये कुछ पिथौरा चित्रकार है जो बहुत ही ज़्यादा फेमस रहे हैं। भूरी भाई के बारे में तो आपको पता है, इनको क्या किया जा गया था, आपको पद्मश्री भी प्रदान किया गया था। इसके पहले भी जो जुधैया बाई, आनंद सिंह श्याम थे और धनैया बाई थी, फिर आत्माराम श्याम थे, रजनी सिंह धुर्मे थे, एक और नाम मिलता है, बहुत फेमस नाम मिलता है, भज्जू सिंह श्याम।
इनको 2000 ढोकरा कला, पिथौरा चित्रकला भी से संबंधित है, गोंड चित्रकला के बारे में तो बता ही दिया है, और ये जो चित्रकार हैं ये डिगना कला से संबंधित है, डिगना कला। और गोंड चित्रकार की और बात करें अगर गोंड चित्रकला से, तो चलिए इसके आगे बात कर लेंगे इसके विषय में। अगला प्रश्न है, भीलों में प्रचलित अपहरण या हरण विवाह को अन्य किस नाम से जाना जाता है? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए साथीदार, ऑप्शन बी भगोरिया विवाह, ऑप्शन सी सेवा विवाह या ऑप्शन डी विनिमय विवाह। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी भगोरिया विवाह। आप सबको मालूम होगा भगोरिया पर्व के बारे में। अब भगोरिया पर्व में एक प्रथा होती है गोल गधेड़ो। अब गोल गधेड़ों में होता क्या है कि जो पुरुष समूह होता है वो सर्कल के अंदर होता है, और सर्कल में कौन खड़ी होती हैं? स्त्रियां खड़ी होती हैं, लड़कियां खड़ी होती हैं। और अगर कोई व्यक्ति किसी लड़की को हाथ पकड़ लेके जंगल की ओर भाग जाता है, उसको अपने साथ भगा ले जाता है, अपहरण कर ले जाता है, तो उनका फिर क्या करवा दिया जाता है? विवाह करवा दिया जाता है। उसी को क्या बोला जाता है? भगोरिया विवाह बोला जाता है। भगोरिया तीन रूप में चलता है, जब भगोरिया पर्व चलता है वो तीन रूपों में चलता है। एक होता है गुलालिया, एक होता है गोल गधेड़ो, और एक होता है उजाड़िया। और ये गोल गधेड़ों पे MPPSC ने मेंस पे प्रश्न भी पूछ लिया था। ये बात हो गई किस पे? अपहरण विवाह को लेके। अब भीलों के बारे में सत्य कथन का चयन करें। मध्य प्रदेश में भीलों की जनसंख्या कुल जनसंख्या का 37.7% है। भीलों द्वारा की जाने वाली झूम कृषि को चिमाता कहा जाता है। भीलों में सबसे महत्वपूर्ण देवता राजा पंथ है। अब आपको इसका कथन बताना है कि केवल एक सही है, केवल दो और तीन सही है, या फिर केवल एक और दो सही है, या फिर उपरोक्त सभी सही है। तो बात अगर की जाए तो भील की जनसंख्या 37.7% है, तो ये बिल्कुल बात सही है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा कौन सी जनजाति पाई जाती है? भील जनजाति पाई जाती है, तो ये वाली बात बिल्कुल सही हो गई। तो झूम कृषि जो इनके द्वारा की जाती है उसको क्या बोला जाता है? चिमाता की बोला जाता है, ये भी बात बिल्कुल सही है। फिर भीलों में सबसे महत्वपूर्ण देवता राजा पंथ है, ये भी क्या बात है? सही है। तो अब पूरा इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी कथन सही है। अब राजा पंथ के अलावा यहाँ पर ये लोग आपके भीलट बाबा को भी बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। इसके अतिरिक्त बूढ़ा देव, दूल्हा देव को भी ये जनजाति मुख्य रूप से पूछती है। झूम कृषि चिमाता होती है, इसके माध्यम से होता क्या है झूम कृषि में कि जंगलों को पहले काटा जाता है, फिर कृषि संपन्न कराई जाती है। और मुख्य रूप से जो मालवा वाला अंचल है, झाबुआ अलीराजपुर वाला जो रीजन है, वहाँ पर भील मुख्य रूप से इस प्रकार की कृषि करती है। अब भीलों में अगर प्रमुख व्यक्तित्व की बात की जाए तो आपने नाम सुना होगा टांट्या मामा का, भीमा नायक का, भीमा नायक कोरकुओं का ये दो नाम आपने सुने हैं, टांट्या मामा और भीमा नायक। तो टांट्या मामा के बारे इनको बोला जाता है इंडियन रॉबिन हुड। अब इनके बारे में सारी चीज़ें आपको पता ही है। टांट्या मामा को टांट्या भी बोलते हैं, तांतिया भी बोलते हैं। ये प्रश्न MPPSC से पूछ चुका है कि टांट्या मामा का नाम क्या है, तांतिया है, टांट्या है, ठीक है। और भीमा नायक के बारे में तो आपको पता ही है, इन्होंने 1857 की क्रांति में दोनों लोगों ने बहुत बड़ा योगदान दिया था। ये कुछ संबंधित व्यक्तित्व हो जाते हैं, किससे संबंधित? भील से संबंधित। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भीलों के द्वारा की जाने वाली झूम खेती को कहा जाता है? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए बेगार, ऑप्शन बी चिमाता, ऑप्शन सी बारी, ऑप्शन डी झूमी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी चिमाता। अभी हमने देखा है कि भीलों के द्वारा जो कृषि की जाती है, झूमिंग कृषि की जाती है, वो चिमाता कही जाती है। भील शब्द का वास्तविक अर्थ क्या होता है?
हमारे ऑप्शन है त्रिशूल, ऑप्शन बी धनुष, ऑप्शन सी सैनिक या ऑप्शन डी शिकारी। देखिए जो भील शब्द है वो द्रविड़ भाषा के बिल्ल से लिया गया है, बिल या बिल से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है धनुष, जिसका अर्थ क्या होता है धनुष। तो यहाँ इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा, धनुष। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, धनुष। अब भील जो जनजाति है इनका मूल स्थान कहाँ पर माना गया है, मूल स्थान राजस्थान पे माना गया है। भील के कुछ उपजातियाँ हैं जैसे भिलाला, इनकी सबसे बड़ी उपजाति है पटेलिया, रथियास। तो भील, भिलाला, रथियास, पटेलिया ये सब इनकी क्या है, उपजातियाँ हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी अलीराजपुर की एक प्रमुख जनजाति है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए भिलाला, ऑप्शन बी खासी, ऑप्शन सी कोरकू और ऑप्शन डी बिरजिया। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए भिलाला। अब भिलाला के बारे में अगर बात की जाए तो भिलाला आपकी भील की भले ही उपजाति है लेकिन इनकी जो संरचना है, इनकी जो शारीरिक बनावट है वो भील से बिल्कुल अलग है। शारीरिक बनावट इनकी भील से बिल्कुल डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है, क्योंकि भील जैसे, भीलों की अगर बात की जाए तो भील कलर में काले होते हैं लेकिन जो भिलाला होते हैं कलर में गोरे होते हैं, गोरे चिट्टे रंग होते हैं इनके। फिर इनकी जो शरीर की हाइट पर्सनालिटी होती है वो बड़ी होती है, भीलों की कम होती है। लेकिन इनको किस में शामिल कर लिया गया था, आपके भील की उपजातियों में शामिल कर लिया गया था। अगला प्रश्न है, पिथौरा भित्त चित्र में मुख्यतः किसका चित्रांकन होता है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए घोड़ा, ऑप्शन बी हाथी, ऑप्शन सी मोर या ऑप्शन डी गाय। तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन ए घोड़ा। तो देखिए कुछ खास बात होती है इन चित्रकारियों की, जो पिथौरा चित्र होता है उसमें मुख्य रूप से घोड़े का अंकन किया जाता है। अब कितने भी किसी भी चित्रकार का नाम ले लीजिए, चाहे सविता वारिया के ले लीजिए या शांता भूरिया के ले लीजिए, या आप पेमा फालिया का नाम ले लीजिए, ये मुख्य रूप से, या भूरी बाई का नाम ले लीजिए, किसी का भी नाम ले लीजिए जो इनकी चित्रकारी की जाती है। मुख्य रूप से पहले ये दीवारों में करते थे लेकिन बाद में आगे चल के इनको कागजों पर चित्रकारी की जाने लगी। अब आपको बताना है कि जो चित्रकारी की जाती है, चाहे गोंड हो या पिथौरा हो, वो विशेष कागज़ पे की जाती है। आपको कमेंट में बताना है उस कागज़ को क्या बोलते हैं। तो यही मैंने बताया कि घोड़ों को किस पे दर्शाया जाता है, आपके पेड़ों पे या फिर ज़मीन पे या विभिन्न प्रकार की आयताकार आकृतियाँ बना दी जाती हैं, उसके अंतर्गत जगह जगह पे घोड़े बना दी जाते हैं और मुख्य रूप से घोड़े को विभिन्न कला के माध्यम से, विभिन्न कलर के माध्यम से दिखा करके विशिष्ट आकृतियाँ बनाई जाती हैं। ये पिथौरा भित्त चित्र की क्या होती है, खास बात होती है। अगला प्रश्न है, सही जोड़ी बनाइए तथा नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। छिंदवाड़ा, मंडला, झाबुआ, शिवपुरी एक ओर लिखा हुआ है और दूसरी ओर है इनका निवास स्थान। इनमें कौन कौन से जनजातियों का निवास स्थान पाया जाता है, भील, भारिया, गोंडवा, सहरिया। चलिए मिलाने का प्रयास करते हैं। छिंदवाड़ा में आपको पता है मुख्य रूप से कौन सी जनजाति पाई जाती है, तो भारिया पाई जाती है, तो पहले का क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा। फिर मंडला की अगर बात की जाए तो मंडला में मुख्य रूप से कौन पाई जाएगी, तो बैगा पाई जाती है लेकिन बैगा यहाँ पर है नहीं। तो गोंड हर जगह पाई जाती है, गोंड भी मुख्य रूप से कहाँ पाई जाएंगी, मंडला में पाई जाएगी। झाबुआ की अगर बात की जाए तो झाबुआ में भील देखने को मिल जाएगी और शिवपुरी में सहरिया देखने को मिल जाएगी। अब आप इसी आधार पे क्या कर सकते हैं, उत्तर निकाल सकते हैं। तो ए का क्या हो जाएगा, दो, ए का दो सही है, और बी का तीन ये भी सही है, सी का वन ये भी सही है, और डी का फोर ये भी सही। और मध्य प्रदेश की अगर अन्य जनजातियों के बारे में कहे, बात की जाए कि कौन कौन से जनजातियों का निवास कहाँ पाया जाता है, तो उसको भी थोड़ा सा अपन देख लेते हैं। देखिए ये जो रीजन है यहाँ पर पाई जाएंगी क्या, कोरकू। और कोरकू का मूल स्थान कहाँ पर आना जाता है, आपके बैतूल।
बैतूल का एक स्थान है भंवरगढ़। भंवरगढ़ में कोरगुओं का मूल स्थान माना जाता है। उसके बगल में अगर आए यहाँ पर छिंदवाड़ा और सिवनी वाले क्षेत्र में, यहाँ पर पाए जाएंगे कौन सी जनजात? भारिया जनजात। उसके और ऊपर जाएंगे और मंडेला डिंडोली वाले क्षेत्र में जाएंगे तो यहाँ पाई जाएंगी कौन सी? बैगा। रीवा सतना सीधी शहडोल वाले क्षेत्र में जाएंगे तो यहाँ पाई जाएंगी कोल। मध्य भारत के क्षेत्र में जाएंगे तो यहाँ पाई जाएंगी सहरिया। और अगर पश्चिमी मध्य प्रदेश की ओर जाएंगे तो यहाँ पर भील, भिलाला इत्यादि जनजात पाई जाएंगी। मध्य वाले भाग में जहाँ भोपाल, रायसेन, सीहोर वाला रीजन है, यहाँ पर आपको कौन सी जनजात देखने को मिल सकती है? उराव मिल जाएगी और पारधी, पारधी जनजाति यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। बुंदेलखंड क्षेत्र पे एक जनजाति देखने को मिलती है बेड़नी, जो मुख्य रूप से नृत्य कार्य के लिए मानी जाती हैं। तो ये पूरी बात हो गई किस पे? प्रश्न क्रमांक 55 पे। अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भैंस संस्कृति या भैंस के प्रति आदर व श्रद्धा का भाव किस जनजाति में पाया जाता है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए भील में, ऑप्शन बी कमार में, ऑप्शन सी टोडा में या ऑप्शन डी सहरिया में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए भीलों में। तो भील जो जनजाति के लोग हैं वो भैंस को विशेष महत्व देते हैं, उसकी पूजा भी करते हैं। कमार जनजाति की अगर बात की जाए तो इसके बारे में मैंने आपसे पहले भी बात की थी, ये फौज में जाना अपना बढ़िया काम समझते हैं, कि सैन्य काम में दिलचस्पी रखते हैं, इस जनजाति की एक खास बात होती है। टोडा के बारे में आपको पता है कि ये नीलगिरी के जंगलों में पाई जाती है, और सहरिया जो शेर के साथ रहना पसंद करती है, और इनके निवास स्थान को सहरिया क्या बोला जाता है? सहराना। अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, रेलो गीत किससे संबंधित है? हमारे ऑप्शन है भील, ऑप्शन बी गोंड, ऑप्शन सी बैगा या ऑप्शन डी सहरिया। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए भील। आपको पता है जब लोकगीत के बारे में हम अध्ययन करेंगे, लोकगीत के संबंध में प्रश्न पूछेंगे, वहाँ पर आपसे ये प्रश्न पूछा जाएगा कि मालवा के अंचल में, मालवा अंचल में कौन से लोकगीत गाए जाते हैं? तो कई सारे लोकगीत गाए जाते हैं, उसमें से रेलो गीत भी मालवा क्षेत्र में गाए जाने वाला एक गीत है। इसके अतिरिक्त आपको यहाँ पर भरथरी गायन, बरसाती वार्ता, बरसाती वार्ता, हीड़ गायन, और निर्गुड़िया गायन देखने को मिलेगा। ये सारे गायन कहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं? मालवांचल। और मालवा में कौन जनजाति निवास करती है? भील निवास करती है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? भील। अगले प्रश्न पे आते हैं, भील जनजाति मुख्य रूप से कौन सा व्यवसाय करती है? हमारे ऑप्शन है पशुपालन, ऑप्शन बी चित्रकारी, ऑप्शन सी कृषि या ऑप्शन डी तंत्र विद्या। तो आप, ये कोई कठिन कार्य नहीं है, सीधी सी बात है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी कृषि कार्य। इनकी कृषि को क्या बोला जाता है? चिमाता। जो झूमिंग कृषि करते हैं उनको चिमाता कहा जाता है। कृषि के लिए ये लोग कौन से देवता की पूजा करते हैं? तो बागेश्वर देव। साथ ही कौन सा उत्सव मनाते हैं? तो नवाखानी उत्सव कृषि के लिए मनाते हैं। अगला प्रश्न है, भगोरिया पर्व मध्य प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए झाबुआ, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी देवास, ऑप्शन डी उज्जैन। तो ये बहुत ही आसान सवाल है और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए झाबुआ। तो झाबुआ में क्या मनाया जाता है? भगोरिया पर्व। भगोरिया पर्व के बारे में हमने काफ़ी डीप अध्ययन कर लिया है इसके पहले भी। हमारा अगला प्रश्न है कि पथौरा चित्रकला किस जनजात से संबंधित है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए कोल, ऑप्शन बी सहरिया, ऑप्शन सी गोंड या ऑप्शन डी भील। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी भील। अब पथौरा चित्र के बारे में आपसे सारी बातें हो ही चुकी है। तो ये दोस्तों, ये सारी चर्चा जो हुई आज के हमारे प्रश्नों को लेके हुई, और मुझे लगता है कि काफ़ी सारी चीज़ें हमने कवर भी कर ली है। तो जो हमारी चर्चाएँ आज चल रही हैं, जिसमें हमने मुख्य रूप से अगर बात की जाए तो भील और गोंडों के बारे में हमने यहाँ पर देखा है, उनकी विशिष्ट संस्कृतियों के, उनकी विशिष्ट पहचान, उनके वेशभूषा और उनके जो निवास स्थान हैं, उनकी जो विभिन्न परंपराएं हैं, उनके बारे में हमने अभी चर्चा
की। तो दोस्तों फिर चलिए आपसे मुलाकात करते हैं एक नए लेक्चर के साथ, एक नए विषय के साथ, और आप हमारे साथ जुड़े रहिए और हम अपनी बातों को ऐसे ही आगे बढ़ाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।